अरे कुंटल 50 किलो चलो दो कैसा है मस्त सर की स्पीड 12 से 15 इसके ऊपर से गाड़ी लेके गए तो गाड़ी फट जाती और पीछे ले लो बोल तो पूरा नीचे उतार दिया मैं गाड़ी अब तो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शेख गौस। दोस्तों ये अपनी पुरानी जीतो जो अभी अभी लोड करके आए जाली ले लोड हुआ और सुपर गाड़ी जो है सोयल पे लग गए लोड करने। और यहाँ पे अपनी नई जीतो BS6 इसको लोडिंग नहीं मिली अभी, इसे नहीं गए लोड करने। अभी दो गाड़ियां तो लोड हो गए हमारे, गाड़ी भी लोड हो गई, जीतो गाड़ी भी लोड हो गई जैसे कि आप देखिए। अभी तो आज जो है ज़रा लेट हो गया, अभी बज रहे 3, तो 3 बजे के टाइम पे दो गाड़ी लोड हो गए। अभी नवी जीतो को लोडिंग नहीं मिली, तो देखेंगे दोस्तों शाम तक क्या क्या होता है। देखते रहिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों गाड़ी खाली करने जा रहे हैं, मैं और समीर भाई वसीम भाई तीनों जा रहे हैं और तीनों में तो मस्त कम्फर्टेबल बैठे अंदर जीतो गाड़ी में। तो ये पहली लोडिंग है हमारी, सुपरों की भी एक लोडिंग हो गई और वसीम सोहेल भाई कस्टमर कन भी पहुँच गए अभी हम जाने में से। वसीम भाई क्या ज़रा ठंडे चल रहे हैं आज, कुर्ती नहीं बता रहे आज क्या। ये रिंग रोड चौरस्ता आज फुल ट्रैफिक है रिंग रोड चौरस्ते पे। तो भैया हम पहुंच गए घाटे पे, जाली ले और लोड हुआ, कच्चा माल है, वजन आता दबा के। भैया गाड़ी काटा कर लिए और गाड़ी में जो लोड है वो है 8 क्विंटल 50 किलो। भाई को बोलते कच्ची लकड़ी है, कस्टमर भी क्या बोलता है वहाँ गए के बाद मालूम होता। तो भैया अभी पहुँचे नारसिंह के पास में, तो गाड़ी चला रहा हूँ मई सिम भाई और समीर भाई जो है। अभी पहुंचे हम कस्टमर के पास में, तो अभी थोड़ी दूर पे है और यहाँ से तो भाई जबरदस्त पानी की नाली जा रही है। वसीम भाई तिर लेते तो जाते हैं यहाँ से वहाँ तक, जा सकते हैं हवा में, पानी नहीं है ना और डूब जाते अंदर का। हम पहुंच गए साइड पे, किधर लगाना सर, नीचे उतारना, पीछे देख रहे हैं इंजन को लग जाता हॉप बोल के नहीं लगता। अरे देखो तुम कैसा लगता भैया, कैसा यार भाई क्या मालूम, जरा देखना पड़ता नीचे इंजन को लग गया तो हब बोल के फुट जाता जान दो साथ। अरे रे साइड से निकल गए क्या मालूम, अगर टायर उतर गया इंजन को लग गया बोलते इंजन फूटने भी कम नहीं है अपना। आठ कुंटल लोड है, 8 क्विंटल 50 किलो चलो दो कैसा है मस्त चल रही, 8 क्विंटल 50 किलो ले गए। तो आसानी से आ गए भैया गाड़ी, अगर बरसात हुई बोले तो पूरा चिक्कड़ चिक्कड़ होता है, यहाँ तक लाना बोले तो बहुत मुश्किल हो जाता। अब भी देखो रास्ता कैसा है, पूरा छोटी गाड़ी है, अपना इंजन क्या है लोड भरे बाद नीचे हो जाता तो ज़रा क्या है देख समझ के लाना रहता। ऐसी ऐसी जगह पे आते हैं हम गाड़ियाँ लेके लकड़ी लेके, ये जो मजदूर काम कर रहे हैं इन लोग खाना बना खाते हैं लकड़ी। एक आदमी चढ़ गया गाड़ी पे गाड़ी अनलोड करने के लिए, ये लग गई गाड़ी अपनी अनलोडिंग को। तो भैया हो गई अपनी गाड़ी खाली, तो निकल रहे हैं यहाँ से। अभी एक ऑर्डर तो कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा ऑर्डर देखेंगे। पूरा जो है मट्टी का कच्चा रास्ता है, लेवल करे सो है, अगर बरसात के टाइम पे अगर आएंगे इधर बोले तो पूरा चिक्कड़ चिक्कड़ हो जाता। रोड पे भी गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता, खतरनाक है बरसात के टाइम पे, फिसल लेते गड़े में, फिसल में गलते गड़े में चल जाते, वहाँ के चल जाते हैज गाड़ी स्लिप हुई अभी मान लो, पूरा गाड़ी एक साइड चले गए तो गाड़ी निकालते वहाँ जा रही पानी की टैंकर, हवा को जाना पड़ रहा अल्लू अल्लू हमारा, किलोमीटर काटा भी बंद है। मैं तो बताता था मैं आपको क्या स्पीड जा रहे, रॉन्ग साइड मार लेंगे। सिम भाई अगर वहाँ के दरवाजे खोले तो इसके ऊपर से जाता होगा पानी, रास्ता बंद होता होगा ये पक्का। गाड़ी में डीजल भी 2 पॉइंट है तो डीजल डालेंगे अपन यहाँ पे भारत पेट्रोल पंप पे। नहीं जी तो मैं डीजल ही नहीं है नहीं जी। बताओ 98 चल रहा डीजल रेट अब भैया, 500 का 5 लीटर 9 पॉइंट आ गया,
ढक्कन लगा लेंगे। तो डीजल की एक भी गाड़ी नहीं बड़ी, कहीं बोल तो गाड़ी चालू रख के डाले अपन, जैसा जैसा टाइम होता वैसा वैसा जो है डीजल के पॉइंट बढ़ते रहते। डीजल डलाए तो एक पॉइंट बढ़ा दो, अभी अल्लू अल्लू बढ़ जाता। तो भैया अल्लू अल्लू करके दो, डीजल के कांटा ही काड़ा जो है फुल हो गए अपने। तो गाड़ी चालू रख के डाले तो जो है सडन नहीं बताते, अगर गाड़ी बंद करके डीजल डाले तो क्या है सडन कितना फुल हुई टैंक की वो बताते। तो गाड़ी चालू रख के जो है डीजल डलाया था भाई, तो अल्लू अल्लू करके जो है टैंक फुल हो गए अपने। अपन रिंग रोड चौरस्ते पे, अब लग रही दवा के भूख, हमको खाना है खाना। तो भैया खा लिए खाना, तो अब करना है जीतो लोड। तो देखें किधर मिलती लोडिंग, तो अभी जंगे मिल को, कौसे मिल में माल मिलता देखेंगे। भैया वसीम भाई जा रहे हैं अभी दूसरी लोडिंग को, अभी बज रहे हैं 6। सुप्रो गाड़ी लोड हो गई तो मैं जा रहा हूँ, मैं जाने वाला हूँ सुप्रो गाड़ी अनलोड करने। सोहेल भाई सुप्रो गाड़ी भर लेके आ रहे हैं, उसके बाद जो है सोहेल भाई मेरे को सुप्रो गाड़ी देके जो है ये जीतो लेके जाते लोड करने। ये जीतो भी लोड होने वाली है शाम में, तो आज मेरे को 5 ऑर्डर पूरे कंप्लीट करना है। अभी सुबह से तो हो गए 2 ऑर्डर कंप्लीट, और सुप्रो गाड़ी भी लोड हो गए 3 ऑर्डर हो गए, और वसीम भाई गए भी लोड करने 4 ऑर्डर, और नवी जीतो भी लोड होती है उसको मिला के 5 ऑर्डर। कल मैं बोला था आपको मेरे को आज 5 ऑर्डर कंप्लीट करना है, तो आज के डेट में 5 ऑर्डर किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। ये आ गई अपनी सुप्रो गाड़ी, सोहेल भाई अकबर पे भर के ला लिए। सोहेल भाई की दूसरी ट्रिप लोड हो गई, हो गई सर लकड़ी। ये देखिए भैया पीछे से जाली लेवल है, सामने से राट लेवल है, तो ये गाड़ी में अच्छा लोड हुआ आज। कल मिल नहीं चले, कल 2 ही ऑर्डर हुए, मगर आज जो है पूरे 5 ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं हम। ये दूसरी लोडिंग है अपनी सुप्रो गाड़ी की, वसीम भाई भी गए जीतो लेके लोड करने। ये जा रही अपनी नई जीतो, सोहेल भाई लेके जा रहे हैं नई जीतो भी लोड करने। सुप्रो भी लोड है, वसीम भाई भी गए, और मैं जा रहा हूँ अभी सुप्रो लोड करने। तो भैया नहीं कर रहा हूँ मैं भी, तो भैया ये देखो गाड़ी कितना चली, 4,042,312 किलोमीटर गाड़ी चली। गाड़ी में डीजल नहीं है, डीजल की लाइट भी आ गई, डायनमिक की लाइट भी आ रही, और ये प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो गया। तो अभी सुप्रो गाड़ी अनलोड करने जा रहा हूँ मैं। तो अभी देखिए भैया गाड़ी स्टार्ट करते कि पूरे लाइना चल जाते, देखिए एक ऑयल की लाइट चले गई, डायनमिक की लाइट चले गई, डीजल की आ रही, ये जो आ रही लाल हैंड ब्रेक की है वो भी जाती है। अब ये चलेगा हैंड ब्रेक की भी, खाली डीजल की लाइट है, डीजल डालेंगे और प्रॉब्लम पूरा सॉल्व है। 7:01 हो रहे हैं, 40 किलोमीटर दूर जाना है, 40 किलोमीटर दूर का ऑर्डर है, और बाईपास चढ़ के जाना है, और लोड कितना है गाड़ी में वो भी देखना है काटा करके, क्योंकि सुखा माल है। सुबह का जो जाली लेवल भरे थे जीतो गाड़ी में, इतना ही माल 8.5 कुंटल था, ये पूरा फुल लोड है। सामने से राट लेवल है बहुत से बहुत, 8-9 कुंटल, 10 कुंटल हो गया तो बहुत हो गया, देखेंगे काटा करके। भाई को बोलता 40 किलोमीटर जाना है उतनी दूर गए से, उसको कम से कम 10 कुंटल तो भी माल रहना। तो अभी पहुंचा काटे के पास, गाड़ी हो रही अशोक लीलैंड काटा यहाँ पे। तो ये लग गए भैया अपनी सुप्रो गाड़ी काटे पे, और लोड देखो इसका, पीछे से जाली लेवल है, सामने से कैबिन लेवल है। भैया गाड़ी काटा करा लिया मैं, माल जो है इसमें 10 कुंटल 70 किलो है, और पूरा सुखा माल है, उतना भरे बाद उतना वजन आया इसका। तो अभी मेरे को जाना है यहाँ से 40 किलोमीटर। ट्रैफिक देखिए पूरा जाम जारी फुल जो है, 15 किलोमीटर के बाद बाईपास चढ़ना है, तो जब तक ट्रैफिक में मेरे को ऐसे ही जाना पड़ता 15 किलोमीटर तक, गाड़ी में डीजल भी डालना है। भैया मैं आ गया डीजल पंप पे, मेरे को बनाना है डीजल। यहाँ पे सीएनजी भी है, तो सीएनजी की लाइन लगे हुए तो दबा के, ये डीजल लाइन सीएनजी है, तो ये पेट्रोल नहीं है ये पंप है। तो अपन आ गए पंप पे, डालो भैया 500 का डालो। क्या डीजल का रेट 97.75 पैसा, तो सुबह में जो दलाया मैं 98.20 पैसा था, वो दूसरे पंप पे भारत पंप पे 98.0। हाँ भारत पे एचपी पे 45 पैसे का फर्क है भारत पे और एचपी पे, ये एचपी है। हो गया 500 का, 5 लीटर 12 पॉइंट, सुबह में जो दलाया जीतो में वो आया 5 लीटर 9 पॉइंट। डीजल का ढक्कन घूम गया तो बॉटल काट के लगा सोहेल भाई। तो अब देखो भैया डीजल का लाइट भी चले गया, 500 का डीजल डालते कि हाफ टैंक के करीब करीब डीजल आ गया, और इसमें भी कुछ भी नहीं है, ये लाइट जो है हाई बीम की है,
और टाइम देखे 7:30 हो रहे, तो देखेंगे अभी यहाँ से जाना है मेरे को 25 किलोमीटर और आगे। देखो भैया हैदराबाद की ट्रैफिक, सिग्नल पे खड़ा हुआ हूँ, फुल ट्रैफिक जाम है सिग्नल पे, यहाँ से मेरे को लेना है राइट। अभी खुला सिग्नल भैया, पूरे रोडों में मेरे को ये जगह रोड जरा डेंजर दिखती, कहीं को बोलता 1/2 रोड है, टर्निंग फुल है। ये रोड पेज क्या है जरा देख समझ के जाना रहता, देखो पूरा फुल टर्निंग है, 1/2 रोड है। और ये जो रोड है हिमाच सागर की रोड है, और इतनी रोड पे जो है बड़े लारियां भी आ जाते हैं, अपने गाड़ियां भी चलते, बाइका भी चलते, आटवा भी चलते, देखो कैसे आ रहे बड़े बड़े लारियां। तो भैया अभी पहुंचा मैं बाईपास के पास, तो अभी चढ़ने वाला हूँ यहाँ से बाईपास। तो ये गाड़ी को भी फास्टैग लगे हुआ है, सुपर गाड़ी को भी, ये होता है स्कैन बाईपास। ये आ गया बाईपास पे, तो अब जाना है 12 से 15 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाईपास पे से, ट्रैफिक में से आया मैं अभी। बाईपास चढ़ते ही इतना सुकून दिख रहा, अभी नॉन स्टॉप जो है कहीं का झंझट नहीं है, सीधा टॉप पे टॉप जाती गाड़ी, 70 की स्पीड बताता हूँ मैं आपको। अभी देखिए भैया किलोमीटर काटा अभी 60 जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके जो है 70 की स्पीड में आती गाड़ी, नॉन स्टॉप 70 की स्पीड 12 से 15 किलोमीटर। अभी जाना है यहाँ से कस्टमर के पास 3 किलोमीटर और आगे। इधर सिटी में से भी आ सकते हैं, सिटी में से आने का रास्ता है, और मैं जो है बाईपास चढ़ गया है, सिटी में से है तो 10 किलोमीटर करीब होता, मगर फुल ट्रैफिक रहती, इसलिए जो है सुकून से आओ बाईपास चढ़ के आओ। तो भैया अभी पहुंचा हूँ मैं साइट पे कस्टमर के पास, लकड़ी उतारना है वो डब्बे के पास में, या नई नई मट्टी डाले से दिख रहा, और इसके ऊपर से गाड़ी लेके गए तो गाड़ी फंस जाती। अब इन्हों आगे क्या बोलते जी, कहाँ जाता जी, फंस जाता ना, वहाँ फंस गया, जहाँ फंसा वहीं रुका दो। गाड़ी में लेके जाता हूँ, जहाँ फंसा वहीं रोक देता हूँ, वहीं खाली करना। हाँ इधर से लेता हूँ, तुम जिधर से बोले उधर से लेता हूँ, किधर लगाना गाड़ी बताओ, उधर गाड़ी फंस जाता। नहीं नहीं मट्टी डाले से अभी रोड बनाने, वहां पे लाना। उधर कटो उधर कटो, गई अपनी गाड़ी, मैं समझा था फंसती होंगी बोल के, मगर फंसी नहीं, बंद दिया। हाँ बंधा हुआ है, खोलना पड़ता। भैया गाड़ी तो मैं लगा दिया था यहाँ पे, फिर भाई बोले और पीछे ले लो, बोल तो पूरा नीचे उतार दिया मैं गाड़ी, अब खाली गाड़ी निकलता नहीं निकलता नहीं मालूम। उन्होंने तो बोले अगर फंस गया तो आदमी है, ढकलने लगेंगे निकालेंगे बोले। तो देखो ऐसा लगा गाड़ी, सामने से बहुत उड़ गई भैया गाड़ी, क्योंकि बोल तो सामने से बहुत ऊंचे पे, पीछे से जो है पूरा डाउन में है, एक तो लोड गाड़ी है, अब खाली करे बाद निकलती नहीं निकलती, क्या है क्या नहीं, निकलते समय देखेंगे। भैया हो गई अपनी गाड़ी खाली, तो अभी निकलना है यहाँ से, अभी गाड़ी निकलती नहीं निकलती देखेंगे। और ये माल लेके आया मैं, खाली गाड़ी में भरे तो देखो थोड़ा सर का दिखता, फेंके तो इतना बड़ा कुप्पा हो जाता। तो अपनी सुप्रो गाड़ी से हो गए 2 ऑर्डर कम्प्लीट। क्या मैं सोचा था गाड़ी फंसती होंगी, टायर घुमाती होंगी, मगर आसानी से निकल गई। तो अभी बज रहे 9:09 हो रहे, और मेरे को जाना यहाँ से फिर वो 40-45 किलोमीटर, और सोहेल में जो है नई गाड़ी भर के खाली करके उन्होंने भी आ रहे और मैं भी जा रहा हूँ, दोनों को सिर्फ 5-10 मिनट का ही फैसला होता। तो देखेंगे कहते हैं पहले मैं पहुँचता हूँ यार, सोहेल में पहुँचते, और वसीम में जो अभी भर के निकले कस्टमर के पास, उनको डाल के तक रात में बजते 11, तो फिलहाल अभी जाएंगे पार्किंग के पास। तो मैं पहुंच गया पार्किंग के पास, और टाइम देखिए अभी बज रहे हैं 10:07 हो रहे। तो गाड़ी देखिए भैया कितना चल के आई, 42,312 किलोमीटर था मैं यहाँ से लग गया खुद में गाड़ी।
21 किलोमीटर गाड़ी चल के अभी 21 किलोमीटर जाके आया मैं अभी, और टाइम देखिए 10:10 हो रहे हैं। और जब मैं यहाँ से गाड़ी निकाला था, 7 बजे निकला था मैं यहाँ से, 7 बजे जो यहाँ से निकला था और 81 किलोमीटर जाके आया मैं अप एंड डाउन। तो गाड़ी चली मेरी 81 किलोमीटर और टाइम लगा मेरे को 3 घंटे 10 मिनट 81 किलोमीटर जाके आने में। तो अभी हो गया सुप्रो गाड़ी का काम ख़त्म, 2 ऑर्डर कंप्लीट होने के थे इससे, 2 ऑर्डर कंप्लीट हो गए और वसीम भाई के भी 2 ऑर्डर कंप्लीट हो गए और नवी जीतो से 1 ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो टोटल हो गए हमारे 5 ऑर्डर कंप्लीट। तो दोस्तों अपनी हो गई सुप्रो पार्क, 2 ऑर्डर कंप्लीट होने से 2 ऑर्डर कंप्लीट हो गए और सबसे पहले मैच पहुंचा वसीम, सोहेल भाई नहीं पहुंचे अभी, वसीम भाई को तो लेट होता। अपनी सुप्रो गाड़ी की जगह जो सुप्रो गाड़ी पार्क हो गई यहाँ पे आती अपनी नहीं पुरानी जीतो नहीं तो नई जीतो और वहाँ गेट करने के लगती जीतो। सिर्फ अभी सुप्रो है और नवी जीतो आने वाली है अभी, सोहेल भाई आना चाहिए था अभी तक नहीं आए और वसीम भाई को तो लेट होता। तो और एक मिल से फ़ोन आया था गाड़ी लोड करो बोल के, तो वसीम भाई की गाड़ी लोड करना है वसीम भाई के बाद। अभी वसीम भाई आए तक 11 बजते, लोड करे तक 12 बजते। कल जो है 2 ऑर्डर मुश्किल से हुए मगर आज देखिए 5 ऑर्डर कंप्लीट भी हो गए और एक गाड़ी को लोड भी मिल गया। तो वसीम भाई की गाड़ी लोड करना है, वो पुरानी जीतो 2018 मॉडल। तो उस हिसाब से देखें तो टोटल हो रहे हमारे आज 6 ऑर्डर, 5 कंप्लीट हो रहे, 1 लोड रह रही। तो देखेंगे अभी गाड़ियां तो आने देंगे, अभी तो सुप्रो ही। देखो आ गई अपनी नई जीतो भी, आ गए सोहेल भाई अकबर भाई 1 ऑर्डर कंप्लीट करके नई जीतो से, और सुप्रो गाड़ी से 2 ऑर्डर, नवी जीतो से 1 ऑर्डर अकबर भाई। तो अब आना है वसीम भाई पुरानी जीतो 2018 मॉडल, वो गाड़ी आना है। 2 गाड़ियां तो आ गए यहाँ पे। तो अपनी जो है पुरानी जीतो भी जो है खाली होके आ गई यहाँ पे, नई जीतो यहाँ पे, पुरानी जीतो यहाँ पे, सुप्रो। तो दोस्तों ये गाड़ी फिर से लोड करने की थी रात में, तो रात बहुत हो गई और एक तो मील भी बंद हो गई, तो इसलिए जो है सुबह में लोड कर रहे, अभी भी लोड करके रखना है, अब भी लोड करना है, सुबह में भी लोड करना है। अब लोड करे तो सिर्फ क्या लोड करके रखना रहता, अब तो खाली होती नहीं गाड़ी, सुबह खाली होती, तो इसलिए जो सुबह ही लोड करेंगे बोल के सोचे। तो दोस्तों अभी हुआ हमारा काम ख़त्म, 5 ऑर्डर कंप्लीट करना था, 5 ऑर्डर कंप्लीट कर दिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको अगर गाड़ियों के बारे में कुछ भी जानना है तो कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।